आज हमारा ये धर्म ही नहीं होता सनातन, इतना बड़ा बोलबाला था बेधर्मियों का, लेकिन क्या अध्यात्म की लड़ाई लड़ी है। हमारे सर्वोच्च हैं स्वयं महादेव ही शंकराचार्य भगवान के रूप में आए। आदि शंकराचार्य भगवान को आप पढ़ा करें, इनके प्रति श्रद्धा रखें, ये हमारे लिए बहुत पूज्य हैं। आज इस हिंदुस्तान में हम रामकृष्ण की बात नहीं कर पाते, जिस धर्म की बात कर रहे हैं ये सब होता ही नहीं। ये वाह्य धर्म के लोग इतने हावी हो गए होते, लेकिन इन्होंने कैसे युद्ध किया, बौद्धों को पराजित इन्होंने किया, और भी कई लोगों को इन्होंने पराजित किया, और ये कहा कि सनातन से बढ़िया कुछ था नहीं और इससे बढ़िया कुछ होने वाला नहीं है। आप भगवान आदि शंकराचार्य की जो पद्धति है उसको एक बार आप पढ़िए। आठवीं पोजीशन पर पहुंचने वाले शंकराचार्य, जिस समय उन्होंने मंडन मिश्र को परास्त किया था, तो उनकी पत्नी भारती आ गई, कहा ऐसे परास्त कैसे हो जाएंगे, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, ये परास्त तो तब माने जाएंगे जब आप मुझे भी परास्त कर दे। तो उसने कोई कामसूत्र की बात रख दी सामने। अब ये तो महान सन्यासी था, इनको तो वो सब कुछ जानकारी ही नहीं थी, और यदि नहीं जवाब देते हैं तो भारती के सामने वो पराजित हैं। अब क्या करें, तो इन्होंने एक आठ महीने का समय मांगा था। आदि शंकराचार्य भगवान ने आठ महीने का समय मांगा, भारती ने उनको समय दिया, और तब वह गए और एक गुफा में अपने चेले को कहा, मेरा शरीर यहां पड़ा है और इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना एक मृत राजा की अर्थी जा रही थी। आदि शंकराचार्य भगवान ने अपने प्राण वहां से खींचे, शरीर मुर्दा हो गया और राजा की बॉडी में प्रवेश कर गए। राजा खड़ा हो गया और राजा के देह में पहुंचकर और फिर इसका ज्ञान उस रानी से लिया इन्होंने। आठ महीना लगा, उसके तत्पश्चात फिर ये उस राजा के शरीर से निकलकर अपने शरीर में आए, फिर जाकर के माता भारती को इन्होंने परास्त किया। वही मंडन मिश्र हमेशा के लिए इनके लिए इनके शिष्य बन गए। इनको पढ़िए आप, ये बड़े अद्भुत हुए हैं। भारती बड़ी विद्वता थी उसके पास, मंडन मिश्र इतने बड़े, ये उस मंडन मिश्र की बात कर रहा हूं, ये पहला देश का ये इतना बड़ा विद्वान इस धरती का हुआ जिसके घर में पलने वाले तोते वेद के मंत्र बोलते थे। अब आप विचार कीजिए कितना बड़ा विद्वान होगा ये। मंडन मिश्र को परास्त करना कोई साधारण बात नहीं थी, इतनी बड़ी विद्वता इसके पास जिसके घर के तोते वेद का मंत्र बोलते हो, ऋग्वेद की धारा प्रभाव मंत्र तोता बोलता था जिसके घर का, हैरान हो गए थे देख करके आदि शंकराचार्य भगवान के, मैं देख क्या रहा हूं। और उस मंडन मिश्र को परास्त करना कोई साधारण बात नहीं थी। अपने जो सनातन के जो दिव्य सूत्रों का जो वर्णन किया है भगवान शंकराचार्य ने, अतिवंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक। उस समय की बात थी जिस समय कर्म कांड में सब ज्ञान धूल धूसरित हो रहा था, उस समय की बात थी जहां यज्ञों में आहुति डाल करके भैंसे मुर्गे चढ़ाओ और ये सब ये करो, और इतना बड़ा कर्मकांड लदा हुआ था लोगों के ऊपर। तब उन्होंने उनके ऊपर एक ज्ञान की छाप रखने के लिए कि सिर्फ तुम कर्मकांड में ही फंसे रहोगे, थोड़ा सोचने की भी ताकत रखिए, और इसका प्रचार है आदि शंकराचार्य भगवान ने किया, और उसमें परास्त होना पड़ा था मंडन में से। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे।